बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स में दो आदतें हों अल्लाह ताला उसको शाकिरीन और साबरीन की जमात में शुमार करते हैं, और जिसमें ये दो आदतें ना पाई जाएँ तो अल्लाह ताला उसको शुक्र और सब्र करने वालों में नहीं लिखते। जो शख्स दीन में अपने से बेहतर को देखे और उसकी पैरवी करे और दुनिया के बारे में अपने से कम दर्जा के लोगों को देखे और इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने महज अपने फजलो करम से इसको उन लोगों से बेहतर हालत में रखा है, तो अल्लाह ताला उसको शुक्र और सब्र करने वालों में लिख देते हैं। और जो शख्स दीन के बारे में अपने से कम तर लोगों को देखे और दुनिया के बारे में अपने से ऊंचे लोगों को देखे और दुनिया के कम मिलने पर अफसोस करे तो अल्लाह ताला ना उसको सब्र करने वालों में शुमार फरमाएंगे ना शुक्र गुज़ारों में शुमार फरमाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।